अनूपपुर जिले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने वाहन चालक से अवैध वसूली और चेक पोस्ट पर हुई हाथापाई को लेकर थाने में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि जिले में कई सालों से गाड़ी मालिकों और ड्राइवरों द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि जैतहरी से पेंड्रा रोड में बने आरटीओ चेक पोस्ट में किराए के गुंडों द्वारा अवैध वसूली की जाती है और ऐसी ही घटना बीते दिन चेक पोस्ट में घटित हुई, जहां एक वाहन चालक को गुंडों द्वारा रोक लिया गया और पैसे ना देने पर उससे हाथापाई की गई। वहीं जब यह बात पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष आधाराम वैश्य को पता चली और वह भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के साथ जैतहरी थाने का घेराव करने पहुंच गए। इसके बाद आनन फानन में प्रशासन हरकत में आया। अनूपपुर से संवाददाता ओमकार सिंह की रिपोर्ट। ये जो आपका खूंटा टोला का परिवहन विभाग है, वहां पर अवैध व्यक्ति वहां पर अवैध वसूली करते हैं, गाड़ियों से जबरन पैसा वसूलते हैं, उनके पेपर बिल्टी वगैरह रख लेते हैं। लगातार उनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और अवैध व्यक्ति इस जिले को अमन शांति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके खिलाफ ड्राइवरों ने यहाँ पर शिकायत किया है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराने और उनको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये लगातार शिकायत उसके खिलाफ होती जा रही है। अभी माननीय विधायक जी ने भी लिखित शिकायत की थी और उसको हटाने की मांग की थी। प्रशासन ने इस पर क्या कदम उठाया? इसको प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने कहीं संज्ञान में नहीं लिया, इस कारण से घटनाएं और आगे बढ़ रही हैं। माननीय विधायक जी को भी पत्र लिखना पड़ा, यहाँ की जो जटिल समस्या थी, लोग परेशान थे, क्योंकि बाहर की गाड़ियां निकलती है, गरीब ड्राइवर होते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, ये सारे चीजों को विधायक जी के पास शिकायत मिली, उसके बाद उन्होंने पत्र व्यवहार किया है शासन के साथ। लेकिन हम एक जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते हमारी सरकार चूंकि मध्य प्रदेश में है, सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इसलिए हम खिलाफ में बैठ करके प्रशासन को सजग करना चाहते हैं कि ऐसे गुंडे टाइप के व्यक्ति जो बाहर से आकर के अवैध वसूली कर रहे हैं, आपके नाक के नीचे ऐसे अवैध वसूली हो रही है, जिनको आप पहचान करके, जिनके नाम जब रिपोर्ट हुआ है, उनको तत्काल गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर आकर के धरने में बैठे। अभी तो इसके पहले तो अपने शिकायत संज्ञान में नहीं है, मतलब कब किस में क्या आवेदन आया, लेकिन अभी से वर्तमान में आवेदन आया है थाने में, उसकी जांच करके और जो भी संबंधित जो व्यक्ति हैं, अज्ञात व्यक्ति हैं, उनके द्वारा आरटीओ वेंकट नगर आरटीओ चेक पोस्ट पर वो अवैध वसूली की शिकायत आई, उसके संबंध में शिकायत वसूली की जाती है, उसके संबंध में पहचान करके उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की। उसके बाद ये लोग अपने को बोले बिल्टी जो छीना झपटी। कौन लोग हैं? ये क्या नाम है? तोमर, ठीक है, और एक धर्मेंद्र राजीव, ठीक है, हाँ। उसके बाद ये बिल्टी वहाँ फिल्म मराने ले गए खनिज विभाग में, ये धक्का मुक्की देते हुए वहाँ बिल्टी छड़ा के हाथ से वहाँ दे दिए। अच्छा। फोन में बात कराने लगे, ये बोले कि ये मैं नहीं करूँगा, सुबह करूँगा। अच्छा। फिर आया, फिर गाली गलौज दिए, बोले सुबह ये कर लूँगा, इसके बाद में चला गया गाड़ी। नहीं, हमारे यहाँ से जितने शिकायत आते हैं हम जाके मौके पर देखते हैं। अभी एक से करीब एक महीना पहले मारपीट की जो घटना हुई थी, हमारे यहाँ FIR हुआ था, वहीं बैरियर से संबंधित, उसमें भी FIR किया था, उसमें कार्रवाई किया था। आज भी हमारे पास में नरेंद्र भाई एक चालक आए थे शिकायत पत्र लेकर के, उनके साथ में एक दो आदमी भी आए थे, तो मैं उसको तत्काल संज्ञान लिया था, मैं मौके पर पहुंचा था। मौके पर जाकर के उनसे इनका कहना है, इनका आरोप है कि प्राइवेट आदमी यहाँ पर जाकर के वसूली करते हैं, और कल रात से एक गाड़ी जो हमारी 6 महीने की नई है, जिसमें सारे पेपर्स हैं, उसको उन्होंने रोक के रखा है और बिना कारण के। तो इनकी रिपोर्ट पे मैं तत्काल गया और चालक के साथ गया और वहाँ से पूछा कि क्या इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है ये सही है, आपके पास में कितने प्राइवेट आदमी हैं और कितने वो हाथ है। एक आदमी को मैंने देखा, उसमें एक आदमी प्राइवेट भी मिला था, लेकिन वो बीमार था, और क्या बोलते हैं उसका पूछा गया तो उन्होंने कहा ये मेरा चालक है, ड्राइवर है, आया है गांव से, तो इसलिए उसकी हमने कहा कि जांच करके आरटीओ साहब का मामला आरटीओ से संबंधित है, शिकायत पत्र लेकर के आरटीओ साहब से चर्चा किया है, और वैसे मारपीट की वैसी
घटना होती तो हम तत्काल कर लेते FIR, चूंकि गाड़ी से रोक करके एंट्री और इनको परेशान करने वाली बात थी, तो मैंने RTO साहब के उनके संज्ञान में डाला और उनको सूचना दिया है। तब तक बात करते करते तब तक ये लोग आकर के जल्दी से जिस तहसील की शंका में आके बैठ गए हैं और जो भी होगी उसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे विभाग का होगा हम करेंगे, RTO विभाग का होगा RTO विभाग करेगा, जिसके विभाग का होगा कार्रवाई की जाएगी।